क्या हुआ? कहाँ जा रहा है भाई? इधर जा रहा है। बस अमित भाई से मिलने के लिए जा रहे थे। फाइनली गाइस, बहुत टाइम के बाद और बहुत मेहनत लगा और बहुत दूरी तय करने के बाद हम लोग इस जगह पर पहुंचे। और ये जो जगह देख रहे हैं, शायद आप लोगों को पता होगा ये जगह कौन सा है। अगर नहीं भी पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये जगह है हमारे जाने माने अमित भाई, यानी कि हमारे क्रेजी एक्स वाई जेड। हाँ जी, उन्हीं का ये जगह है, लोकेशन है। आज हम लोग उनसे मिलने वाले हैं और देखेंगे कि आज क्या होने वाला है। स्टूडियो के पास पहुंचेंगे, काफी नजदीक में है इनके। कौन है? क्या हुआ? कहाँ जा रहा है भाई? बस अमित भाई से मिलने के लिए जा रहे थे। नहीं, मतलब किसी अमित भाई लिए पता नहीं है तुम्हें? अमित भाई नहीं है, कहाँ गए? वो वर्ल्ड टूर पे गए, ठीक है। और तुम मतलब यहाँ पे भी काम बंद है, ठीक है? काम बंद है, यहाँ भी कुछ देखने के लिए नहीं है। इनको स्टूडियो है ना, उनका स्टूडियो बन रहा है यहाँ पे। हाँ, उन्हीं का स्टूडियो है ये पूरा, ठीक है। लेकिन अभी देखने के लिए नहीं मिलेगा, फिर जाने के लिए अमित भाई नहीं है, वो आएंगे तो फिर देख सकते हो, ठीक है? तो अभी नहीं, अभी भाई इतनी बहुत दूर से आए हैं अमित भाई ऐसा के लिए। अमित भाई से नहीं मिल पाए तो कम से कम स्टूडियो पर देख लेते हैं। परमिशन नहीं है भाई, कोई ऐसे कैसे आगे मिल सकता है भाई? बहुत दूर से आया, दो तीन दिन का सफर है यार। नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ। एक बार बस दिखा देने दे दीजिए, बस हमारे यूट्यूब अपने हमारे जो भी ऑडियंस है देख लेंगे हमारा। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट मैं खुद ही चलूंगा साथ में, उसके बाद तुरंत बाहर जाना, ठीक है? तो गाइस, हमारे सर जा रहे हैं साथ में, इनके अमित भाई के साथ ये गार्ड है, ठीक है? तो चलते एक बार पूरा आपको लोग स्टूडियो दिखाते। बहुत ही खुशी की बात ये है कि हम लोग को स्टूडियो देखने का अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो आइए गाइस, देखते हैं, एकदम पूरा मजे करेंगे। आओ, ओ भाई सर कितना बड़ा है ये, मतलब इनका स्टूडियो भाई। हाँ, बहुत बड़ा है, तो देख रहे हो यहाँ से पूरा वहाँ तक जाता है, देखो पूरा। और जिसकी चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है और लंबाई भी मतलब बहुत ही ज्यादा है इसकी। भाई हमारे कैमरा मैन जो भी है दिखा दो, कितना बड़ा स्टूडियो, कितना बड़ा स्टूडियो है। वैसे सर इन अभी तो कम हाइट पे दीवार है, इनको मतलब खड़े होने में या फिर इनको बनने में कितना टाइम लगा होगा अगर? तो हमारे बताइए ऑडियंस को। अभी तक में तो ये पूरा मतलब ना एक मंथ के अप्रोक्स लगा है, मतलब तो मजदूर भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, मिस्त्री भी थे, तो फिर भी एक मंथ के अप्रोक्स लगी गया अभी तक में, ठीक है। ऐसे अंदाज़ा लगाओ इन अभी देखो कि हाइट कितनी कम है इन दीवार की, अभी इसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। सिर्फ इतना सा इनको बनने में भाई साहब 1 महीना लगा, और इनकी लंबाई यहाँ से लेकर वहाँ तक जाने में ना गाइस हालत ख़राब हो जाए इस गर्मी में। बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये, बहुत ही बड़ा मतलब स्टूडियो है इनका, हमारे अमित भाई क्रेजी एक्स वाई जेड का। तो सर इतना मतलब हैवी वर्क चल रहा है, इतनी मोटी मोटी पिलर है, इतना है इनको पता नहीं छड़ वगैरह होगा इतना। सर इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आखिर काम अचानक से बंद क्यों पड़ा है और कितने दिनों तक बंद रहेगा ये काम? देखो भाई, पहली बात तो ये 16 मिनट का चल रहा है, ठीक है, उसको काम तो बहुत हेवी चल रहा है, लेकिन अभी कुछ महीनों से काम पूरा बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे गार्ड हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ की देखभाल करता हूँ, ठीक है ना। और ज़्यादा मुझे पता है कि अमित भाई अभी तो टूर पे गए करिए जट जी, वो टूर पे वर्ल्ड टूर पे गए, ठीक है, तो उसके बाद आएगा तो ये काम कब तक स्टार्ट होगा ये तो मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। और मतलब जितना बताने का था मैंने बता दिया, ठीक है। तुम लोग अब एक काम करो, जाओ, बहुत टाइम दिए से भी होगा, आप जा सकते हो, ठीक है, जाओ। लेकिन काम अचानक से बंद करा, कुछ आइडिया है कब तक? कुछ भी आइडिया नहीं है, मतलब कब तक आएंगे अमित भाई ये भी कुछ पता नहीं, कुछ महीनों से आ जाए, जाओ तुम लोग, बहुत टाइम हो गया, ठीक है चलते हैं सर, ठीक है, थैंक यू इतना बताने के लिए हमारे ऑडियंस। तो जैसा कि आप लोग देखेगा इस कि कितना बड़ा इनका स्टूडियो था, अभी बनने के लिए जा रहा है, थोड़ा सा इनको मतलब हल्का से ये भी बना है तो इनको 1 महीना लग गया है, पता नहीं पूरा बनने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन गाइज हम लोग आप लोग के लिए ट्राई करेंगे, जब ये पूरी तरह से बन जाए ना तो आप लोगों के सामने ये वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज प्लीज़ लाइक करना। और एक बात गाइज, शायद हमारे सर नहीं बता रहे थे क्या रीज़न था, नहीं था काम बंद होने का पीछे, जहाँ तक कि मुझे अपने मतलब कि आइडिया से लग रहा है कि सर अमित भाई अभी शायद 2-3-4-5 महीने के लिए टूर पे गए हैं, शायद एक वजह ये भी हो सकती है काम बंद अभी होने का। और जैसे कि सर ने भी कहा कि शायद काम अभी ना भी स्टार्ट हो और बहुत ज़्यादा टाइम लग भी सकता है, महीनों लगे, साल लगे, मुझे तो नहीं पता, तो अमित भाई आपको बताएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।